हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द एग्ज़ाम काउंसलर टुडे वीगन प्रैक्टिस एम सी क्यूज़ ऑन फूड एंड पर्सनल हाइजीन टॉपिक तो हम कंटिन्यू एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्ज़ाम तक क्योंकि जब तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्जाम के लिए रेडी नहीं हो सकते सिर्फ थेरी पढ़ने से आ, आप रेडी नहीं रह सकते ना आपको एम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे साथ साथ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं ठीक है थीके? अगर आप और एम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे Uh, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से हमारी एप्लीकेशन द एग्जाम काउंसलर इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज़ को चेकआउट भी कर सकते हैं ठीक है थीके? और अगर आप हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक so, uh, है सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से सो द क्वेश्चन नंबर वन सेज़ वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो आप ट्राई करें आंसर करना इज इट फर्स्ट मार्च इज इट सेवेंथ अप्रैल इज इट सिक्सथ अक्टूबर और इज इट टेंथ दिसंबर सो आर आंसर इज सेवेंथ अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेवेंथ ऑफ अप्रैल ठीक है ओके दैन क्वेश्चन नंबर ओके सो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ना वो इनिशियेटिव uh, किसने लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ तो ये जो डे है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है सेवन ऑफ अप्रैल को uh, ये किन्हाँ ने स्टार्ट किया है ये डे सेलब्रेट करना बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके दैन क्वेश्चन नंबर टू से इज रेस्ट स्लीप फिजिकल एक्सरसाइज एंड क्लीनीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्ट करना स्लीप लेना प्रॉपर एक्सरसाइज करना क्लीनस करना किस चीज़ का पार्ट है इज़ इट अ पार्ट ऑफ सोशल हाइजीन पर्सनल हाइजीन हाइजीन या फिर नन ऑफ द एबो अगर हम देखेंगे रेस्ट करना स्लीप लेना ये हमारा पर्सनल है ना हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते अपने लिए करते हैं स्लीप अपने लिए करते हैं तो ये सारा किसका पार्ट है पर्सनल हाइजीन का पार्ट है ओके okay?

क्या है वायरल डिजीज है है ना जो मीजल्स है हमारा मीजल्स uh, किसकी वजह से होता है इट इज़ कॉज्ड बाय मॉरबली वायरस द वायरस बिलोंग्स टू द जीनस मॉरबली मॉरबली वायरस देन डेंगी डेंगी इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस और इसे कौन इसका जो वेक्टर है ना कैरिंग वेक्टर वो होता है एडीज मॉस्किटो एडीज मॉस्किटो दैन एड्स एड्स भी हमें पता है इट्स कॉज्ड बाई एच आई वी वट डू यू मीन बाई एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इट्स कॉज्ड बाई एच आई वी दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सो आराम सर विल बी ऑल ऑफ द एबो ओके दे क्वेश्चन नंबर हाँ आप चाहें तो एक्सप्लेन बाद में देख सकते हैं आई विल कीप इट देयर ओके मिजल्स होता है जब इंसान की बॉडी में क्या होता है स्किन पे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं छोटे छोटे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं और डेंगी हमें पता है एडीज़ की वजह से एडीज बाइट की वजह से हो जाता है और एड्स एड्स का फुल फॉर्म क्या है एक्योर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम एंड इट्स कॉज्ड बाय एच ठीक है ओके देन क्वेश्चन नंबर फाइव से विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ ऑल्सो नोन एज सालम्बोनीला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी तो इसमें तो ट्रिक ही है जब आगे टाइफी लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि इट इज टॉकिंग अबाउट टाइफाइड इट्स टॉकिंग अबाउट टाइफाइड टाइफाइड किसकी वजह से होता है सालमोनीला टाइफी साल्मोनेला टाइफी है बैक्टीरिया का नाम जिसकी वजह से टाइफाइड होता है ठीक है ओके देन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज

उसकी जो यूज नीडल है अगर उसको यूज़ किया गया किसी और पेशेंट पे तो पॉसिबली उसमें ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है ठीक है सो द आंसर इज शेयरिंग ड्रग नीडल्स देन क्वेश्चन नंबर और हेपेटाइटिस जो है ना इट्स अ ये लिवर की डिजीज़ होती है वायरल इन्फेक्शन है जो लिवर को इन्फ्लेम करता है और डैमेज कर देता है क्वेश्चन नंबर सेवन सेज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट कंटेमिनेशन इनमें से क्या है जो कंटेमिनेशन के बारे में सही बोल रहा है कंटेमिनेशन इज़ कॉज्ड बाई द एंट्री ऑफ जर्म्स इन टू ड्रिंकिंग वाटर और एडेबल फूड हम बोलेंगे हाँ जी अगर uh, हमारे खाने में या पानी में जर्म्स है अगर हम वो अंदर लेंगे तो हम कंटेमिनेशन ही है ना वो तो सही है देन कंटेमिनेशन इज़ कॉज बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स बाय इंसेक्ट बाइट अगर इंसेक्ट हमें बाइट कर रहा है उसमें जर्म्स है तो वो भी कंटेमिनेशन है

विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज बाई बैक्टीरिया इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया कॉज नहीं करता है जो बैक्टीरिया कॉज नहीं करता है टाइफाइड जोबोकलॉसिस पोलियोमाइलिटिस या फिर नन ऑफ द एबो तो इफ़ यू नो कि टाइफाइड जो है इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया हमने अभी देखा था कौन सा बैक्टीरिया सालमोनीला टाइफी हमने अभी देखा ना सालमोनीला टाइफी से होता है टाइफाइड देन ट्यूबोक्लोसिस किससे होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबो ऑलरेडी बैक्टीरिया ही है ये माइको बैक्टीरिया और पोलियो किससे होता है पोलियो जो है ना जिसके लिए पोलियो वैक्सीन्स दी जाती है बच्चों को तो पोलियो होता है बिकॉज ऑफ वायरस ठीक है इट्स कॉज ड्यू टू वायरस सो आर आंसर विल बी ऑप्शन थ्री बिकॉज दिस इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ओके सो पोलियोमटीज़ कैन बी स्टेटेड एज द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज्ड बाई वायरसेस ओके इट्स कॉज ड्यू टू पोलियो वायरस होता है और इसके लिए हम जो है वैक्सीनेशन भी देते हैं इससे क्या होता है ना कि इंसान का जो है कोई बॉडी पार्ट जो है पैरलाइज हो सकता है लाइक लिम्स पैरलाइज हो जाते हैं इसकी वजह से ठीक है स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है ये देन क्वेश्चन नंबर नाइन से इज़ द मेन कॉज ऑफ कॉन्टैजियस डिजीज इज़ कॉन्टैजियस डिजीज का मेन कॉज़ क्या होता है कॉन्टेजियस मतलब जो फैलती है डिजीज जो एक दूसरे से एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है उनको बोलते हैं कॉन्टैजियस तो कॉन्टेजियस डिज़ीज़ का मेन कॉज़ क्या हो सकता है कॉन्टेमिनेटेड फूड बिल्कुल कॉन्टेमिनेटेड एयर ये भी हो सकता है पोअर हाइजीनिक कंडीशन बिल्कुल अगर हमने अपने आसपास सफाई नहीं रखी तो कॉन्टैजियस डिजीज़ आ सकती है ना कुछ भी जर्म्स आ गए बैक्टीरिया आ गए तो हम उससे बीमार पड़ सकते हैं देन कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडीली फ्लूड्स अगर हम किसी का जो ऑलरेडी बीमार होगा उसका ब्लड अंदर हम लेंगे शेयर करते हैं ना लाइक ब्लड ग्रुप किसी का हम uh, किसी पेशेंट को देंगे अगर कोई इंसान ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसका ब्लड चढ़ाएंगे किसी पेशेंट को तो उसको भी हो जाएगा ना तो इट्स ऑल्सो अ रीजन ओके सो आर आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबो लेट अस सी द ऑप्शन यस सो आर आंसर इज ऑल ऑफ द एबो ठीक है ओके देन क्वेश्चन नंबर टेन सीज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी पर्सन एक हेल्दी पर्सन के लिए इनमें से क्या है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर डाइट लेना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि प्रॉपर डाइट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक बैलेंसड डाइट होना चाहिए अगर इंसान बैलेंसड न्यूट्रेंट लेगा तो बीमार पड़ेगा देन वैक्सीनेशन बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि अगर हम टाइमली वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो हमें जो भी बीमारियां हैं जो भी वायरल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज है वो हमें अटैक कर सकती है सो अर आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबो क्वेश्चन नंबर एलेवन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजीज़ बोरा आप डिजीज के बारे में ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़िए हम देखते पहले स्टेटमेंट्स क्या है दे आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ nutrients इन आवर डाइट अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो क्या हमें डिजीज हो सकती है बिल्कुल हो सकती है हमने काफ़ी डिजीज के बारे में पढ़ा स्कर्वी रिकेट्स है ना वो लैक ऑफ न्यूट्रेंट्स की वजह से होती है देन दे आर कॉज बाई जर्म्स हाँ हमने अभी देखा टाइफाइड है मिजल्स है मलेरिया है ये जर्म ही होता है दे आर कॉन्टेजियस इन नेचर हाँ जी बिल्कुल टी भी हो गया कॉन्टेजियस इन नेचर दे कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ प्रॉपर डाइट अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सो अर आंसर विल भी इसमें ऑप्शन में कुछ आ, गड़बड़ हो गया है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबो ओके सारी चीज़ें जो है ना वो सच है डिजीज़ के बारे में सो आंसर विल भी ऑल ऑफ द एबो ओ ओके आई होप इट्स क्लियर दैन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इज स्मॉल हार्मफुल लिविंग थिंग्स आर नोन एज जो स्मॉल छोटे हार्मफुल होंगे हमारे लिए वो कौन है क्या बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मुल है बिल्कुल है क्या जर्म्स हमारे लिए हार्मफुल है जर्म्स तो है ही है अब सिर्फ बैक्टीरिया में कुछ ऐसे जो हमारे लिए यूजफुल भी है ना जैसे हमें पता है लेक्टोबैसिलस है वो हमें हेल्प करता है इन कन्वर्टिंग मिल्क इन टू करड है ना तो कुछ बैक्टीरियाज है जो अच्छे भी है जो हमारे लिए यूजफुल भी है बट काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होते हैं सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेज जर्म्स लिव इन जर्म्स जो है वो कहाँ पे होते हैं क्या वो डस्ट में होते हैं क्या वो वाटर में होते हैं एयर में होते हैं या हर जगह होते हैं हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि अपने हैंड वॉश जल्दी जल्दी हैंड वॉश करो आपके हाथों पे जर्म्स है तो अगर हमारे हाथों पे भी है तो इसका मतलब है कि वो हर जगह होते हैं ना पानी में भी हो सकते हैं एयर में भी हो सकते हैं डस्ट में तो होंगे होंगे सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबो ओके सिंपल है है बस समझने की जरूरत है, आपको बेसिक्स है ठीक है एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहेंगे तो आप बाद में आराम से पढ़ लेना ठीक है देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन से जर्म्स अटैक योर टीथ एंड फॉर्म स्मॉल होल्स नोन एज जर्म्स हमारे दांतों पे जब अटैक करते हैं ना तो छोटे छोटे होल्स बनते हैं हम उनको क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं वर्ड को हम बोलते हैं कि हमारे दांतों में कैविटीज हो गई है ना बोलते हैं ना हम कि दांतों में कैविटीज़ हो गई तो उससे क्या होता है ना जो जर्म्स होते हैं ना वो क्या करते हैं हमारा जो दांत होता है हमारा जो दांत होता है ना इसको अटैक करते हैं और इसका जो हार्ड पार्ट होता है ना ऊपर वाला उसको ये ब्रेक कर देते तो वो ब्रेक करने की वजह से क्या होता है वहाँ पे एक छोटा सा होल बन जाता है जिसको हम कैविटी बोलते हैं ठीक है ओके तो कैविटीज क्या होती है इन अ कंडीशन इन विच हार्ड सरफेस ऑफ टीथ गेट्स डैमेज्ड एंड टाइनी होल्स आर डेवलप्ड इट इज कॉल्ड टूथ डीके और कैविटी बोलते हैं इसको ठीक है टूथ डीके और यहां पे कैविटी है ओके देन क्वेश्चन नंबर 15 सेज व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन हमारे इंटेस्टाइन में कौन सा वाइटामिन है जिसे बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं क्या वो वाइटामिन ए है क्या वो के है क्या ई है, e है या फिर डी है पहले अगर हम देखेंगे ये सारे जो है ना यहाँ पे दिए हुए ये सारे फैट सॉलेबल है ना सारे फैट सॉलेबल है ना के ई डी ए की डा यस तो अब बोल रहा है कि कौन सा वाइटामिन है जो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है सो आर आंसर विल बी वाइटामिन के विटामिन के जो इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए वी नो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है तो ये वाला जो वाइटामिन है ये हमारे इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज़ करते हैं बैक्टीरिया ठीक है ओके यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन इट्स अ फैट सॉलिबल वाइटामिन फाउंड इन फूड हेल्प्स इन कॉगलेशन ऑफ ब्लड दैन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सेज़ कैल्शियम आयरन पोटेशियम आयोडीन एंड कॉमन साल्ट आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कि ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे दी हुई है कैल्शियम है आयरन है पोटेशियम आयोडीन कॉमन साल्ट है ना या फिर हमें पता है जिंक होता है बोरॉन होता है ये सारे जो है ना ये कि किसके एग्जाम्पल्स हैं क्या ये प्रोटीन्स है नहीं जी क्या ये वाइटाम्स है बिल्कुल भी नहीं क्या ये फैट्स है ना तो हमारा आंसर है मिनरल्स बिकॉज हमें पता है कैल्शियम आयरन पोटेशियम जिंक आयोडीन ये सारे क्या है हमारे मिनरल्स ओके देन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द रेज ऑफ सन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सन की जो रेज है उनमें कौन सा वाइटामिन होता है हमें पता है अक्सर बोलते हैं कि धूप में बैठा करो वाइटामिन डी मिल जाएगा ना? है ना बोलते हैं ना थोड़ी देर धूप में भी बैठा करो वाइटामिन डी लेने के लिए तो वाइटामिन डी जो है ये कहाँ से हमें मिलता है सन की रेज से ठीक है और विटामिन डी किस काम आता है हमें ये क्या करता है बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारी है ना बोन्स के लिए ओके okay. क्योंकि ये हेल्प करता है बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम में और अगर इसकी डिफिशेंसी होगी तो इट कॉजेज रिकेट्स या फिर ऑस्ट्रियो रिकेट्स भी कॉज करता है और ऑस्ट्रियो इन दोनों में फ़र्क क्या है आप सिंपली याद रखेंगे रिकेट्स जो है ना वो होता है चिल्ड्रन में छोटी स्पेलिंग है ना ऐसे याद रखना आपको याद रह जाएगा रिकेट्स छोटी स्पेलिंग है चिल्ड्रन में ऑस्ट्रियो बड़ी स्पेलिंग है तो बड़े लोगों में ऑस्ट्रियो स्पेलिंग बड़ी है ना तो ये होता है एडल्ट्स में बड़े लोगों में बड़ी स्पेलिंग है रिकेट्स छोटी स्पेलिंग है चिल्ड्रन में छोटे बच्चों में ठीक है आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है ना ओके देन कम्स आर क्वेश्चन नंबर एटीन इट सेज अ बैलेंस डाइट शुड नॉर्मली बी एबल टू प्रोवाइड अबाउट एक जो बैलेंस डाइट होता है वो हमें कितने कैलोरीज देना चाहिए पर डे मतलब कि हमें कितनी कैलोरीज पर डे लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस डाइट फैक्चुअल क्वेश्चन है वी हैव टू लर्न इट रिमेंबर इट द आंसर इज थर्टी फाइव हंड्रेड कैलोरीज पर डे यू हैव टू टेक थर्टी फाइव हंड्रेड कैलोरीज पर डे अकॉर्डिंग टू अ बैलेंसड डाइट ठीक है ओके देन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से विच ऑफ़ द फॉलोइंग नरिश नर्व सेल्स हमारे जो नर्व सेल्स हैं ना उनको कौन सा वाइटामिन नर्श करता है क्या वाइटामिन ए करता है नहीं हमें पता वाइटामिन ए हमारी आईसाइड के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना वाइटामिन बी वन करता है वाइटामिन सी करता, करता है या वाइटामिन डी करता है सो और आंसर इज़ ट्राई टू गिव द आंसर और आंसर इज़ वाइटामिन बी वन वाइटामिन बी वन जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्ज में हमारी जो नर्वस हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइटामिन बी वन सो वाइटामिन बी वन इज़ द वाइटामिन दैट नरिशज़ नरो वाइटामिन सी हमें पता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो हमारे होती हैं ना डिफिशेंसी से होता है वाइटामिन डी हमने देखा बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है ओके ओके देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हेल्थ जस्ट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ डिजीज क्या हम बोलते हैं हेल्थ किस चीज़ को अगर एबसेंस ऑफ डिजीज होगी सिर्फ हम बोलेंगे हाँ ये हेल्दी है इंसान कि इस इंसान को कोई बीमारी नहीं है तो ये हेल्दी है क्या हम ये बोल सकते हैं ट्रू है फॉल्स है सो द आंसर इज़ इट इज़ फॉल्स क्योंकि सिर्फ बीमारियाँ ना होने को हम हेल्दी नहीं बोल सकते अगर कोई इंसान 24 घंटे कमरे में बैठा रहता है किसी के साथ सोशली नहीं मिलजुल रहा बात नहीं कर रहा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा फिज़िकली फिट ही नहीं है बट उसको बीमारियाँ एस सच कोई भी नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे कि वो हेल्दी है जब तक कि वो फिजिकली मेंटली सोशली प्रॉपर कंप्लीट हेल्दी ना हो तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो हेल्दी है ठीक है तो सिर्फ बीमारियाँ ना होने को हेल्दी नहीं बोल सकते ओके इट्स फॉल्स ना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग नॉट जस्ट द एबसेंस ऑफ डिजीज़ ठीक है सो इसके साथ जो है हमारा लेक्चर एंड होता है आ, हम आपके साथ और एम सी क्यूज़ को शेयर करेंगे तो अगर आपकी कुछ भी सजेशन्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है थीके? अगर आपको किसी भी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप पूछ सकते हैं हमसे ओके ओके थैंक यू